हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। आज है 27वां दिन ऑफ आवर वेरी अमेजिंग 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज। आज मतलब ये मान लीजिए कि होपफुली इलेक्ट्रिसिटी का भी सेकंड लास्ट डे है और कल हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे, राइट? आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल पावर और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसके कुछ फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे, बेसिकली तीन फॉर्मूले डिराइव करेंगे, राइट? तीनों को एक एक करके देखेंगे कैसे क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आने हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस छोटे से लेक्चर को हम लोग फिनिश करेंगे। लेक्चर छोटा रखने का कारण है फेस्टिव सीजन है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 75 डेज का जो चैलेंज मैंने लिया है वो आपने भी एक्सेप्ट किया है, तो आप भी डेली देख रहे हैं तो आपको भी बहुत ज्यादा उससे परेशानी ना हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आइए इसी नोट पे शुरू करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो बच्चों यूजुअली हम लोगों ने पावर को कैसे डिफाइन किया है, हाउ हैव वी डिफाइंड पावर, पावर की डेफिनेशन क्या है, पावर को डिफाइन करने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं? तो अगर हम लोग पावर की डेफिनेशन को लेके चले, इन जनरल पावर इज रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना? कितनी तेजी से वर्क हुआ है, कितना मतलब एक सेकंड में कितना वर्क हो जा रहा है, यही तो है पावर, सिंपल। तो पावर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इलेक्ट्रिक पावर का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। हाँ सर, बात सही। सो इट इज defined as the rate of doing electrical work, मतलब कि electric work जिस rate से किया जाएगा, जिस तेजी से किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या define करेंगे, electric power define करेंगे। So how is electric power defined? Electric power is defined as the rate of doing electric work, यानी कि electric power is equal to electric work upon में time taken, तभी तो rate आएगा, right? यानी कि ये है क्या basically, amount of इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है? एक यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जा सकता है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। एक यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जा सकता है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। लॉजिक क्लियर है? अच्छा, अब इसकी जरा हम लोग यूनिट पे चल लेते हैं, इसकी जरा यूनिट को समझ लेते हैं। तो पावर की जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, वॉट्स होती है, और वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड, राइट? जूल वर्क की टाइम की सेकंड, है ना? तो पावर इज सेड टू बी 1 वॉट when 1 joule of work is done in 1 second, जब भी 1 joule work 1 second में करा दिया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, what we will call it as 1 watt of power। 1 watt power की किसे कहा जाएगा, 1 joule work 1 second में। अगर 1 joule वर्क 1 second में हो रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे बच्चों, उसे हम लोग नाम देंगे किसका, 1 watt पावर का। इज इट क्लियर? क्लियर है? कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। कॉपी करो,
चलिए आइए देखिए। तो ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि यार एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग समय लेते हैं और थोड़ा सा समय लेके ये समझते हैं कि भाई एक बात बताओ, ये जो हुआ है ना वर्क डन पर सेकंड, पर टाइम, पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ वर्क डन है ना, ये रेट ऑफ वर्क डन एक सेकंड में जो वर्क हम लोग कर रहे हैं, ये रेट ऑफ वर्क डन कौन सा वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क कहां काम में आ रहा है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क को देखें। तो सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रिक वर्क को, तब तो पावर समझेंगे। इलेक्ट्रिक वर्क यार, इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क लग रहा है सर, कहां लग रहा है वर्क, याद करो आप पढ़ चुके हो, पोटेंशियल ही तो वर्क पर चार्ज है, अरे वर्क लग कैसे रहा है। देखो नॉर्मली याद करो, जो कंडक्टर हुआ करता था उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, नहीं वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे थे, तो यहां पे आपने इसके एंड्स के अक्रॉस क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाते से ही इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, एक डायरेक्शन में मूव करने लग गए। तो यही तो वर्क डन है, वर्क डन टू मूव द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, सही है, चार्ज को घुमा घुमा के जो मूव कराया जा रहा है इसी में तो वर्क लग रहा है, अदरवाइज वर्क यहां पे कहां लगता, समझे। तो इलेक्ट्रिक वर्क को समझो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक वर्क। सो इलेक्ट्रिक वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, वर्क कौन सा, इलेक्ट्रिक वर्क इज ऑलवेज डन टू मूव द चार्ज इन द सर्किट, याद आ गया, और यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोलो साहब, हाँ या ना, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे बोलते हो, पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अगर अपन पोटेंशियल V बराबर W अपॉन Q, नहीं तो W बराबर V इंटू क्यू, सही बात है, Q क्या है यहां पे, चार्ज फ्लोइंग इन टाइम टी, कुछ टी टाइम में चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, तो याद करो आई को कैसे लिखते थे, क्यू बाय टी, हा या ना, चार्ज पर यूनिट टाइम यही था, तो मुझे लगता है क्यू आप क्या लिख दोगे, आई टी, सही है, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर W की इक्वेशन, ये W वाले इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट मार दो, यानी कितना हो जाएगा, W बराबर V इंटू Q की जगह आ जाएगा आई टी, क्लियर है, W बराबर V इंटू आई टी, और पावर क्या है, W अपॉन टाइम, यानी कि V आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, P बराबर V इंटू आई, पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्क्यूट इंटू करंट फ्लोइंग इन द सर्क्यूट, सही है, ये डेरिवेशन हमने देखा, वापस सुन लो, बहुत आसान है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल डिफरेंस था, V बराबर W अपॉन Q, Q को उधर ले गए, Q होता क्या है, I होता है Q बाय T, तो IT हो गया Q, खत्म, T से T कैंसिल, VI आ गया, लॉजिक क्लियर। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू आई, अब इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, करो इसे,
चले आगे। ठीक, तो पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर मैथमेटिकली कैन ऑल्सो बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट समझ गए इस बात को? यानी कि P बराबर V इंटू आई। तो अगर पोटेंशियल बढ़ा दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी पावर बढ़ेगा। अगर I करंट बढ़ा दोगे तो भी पावर बढ़ेगा। नॉर्मली अगर आप देखो फोन चार्ज कर रहे हो वर्सेस आप एयर कंडीशनर चला रहे हो, दोनों में सेम पोटेंशियल है, मतलब पावर सप्लाई 220 पे इसका भी हो रहा है, फोन चार्ज का भी और एसी का भी हो रहा है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, लेकिन करंट ज्यादा है। किस में करंट ज्यादा है? आई ज्यादा है किस में? इसमें, एसी में। अगर आई ज्यादा है तो पावर कौन कंज्यूम करेगा? एसी। तो कभी भी एसी चलाने में बिजली का बिल ज्यादा आता है ना, क्योंकि ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। कैसे ज्यादा आता है वो हम आगे देखेंगे भी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई अच्छे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, बढ़ते आगे। अब हम लोग देखते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन की और भी फॉर्म्स देख लेते हैं। और भी फॉर्म्स सर कैसे आ सकती हैं? आओ देखो। देखो यार, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है? पहली फॉर्म, मतलब पहली ये हो गई, दूसरी आप देखेंगे। ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर आई आर, तो सब्स्टिट्यूट करो V इन पावर। पावर के फॉर्मूले में, पावर की इक्वेशन में V की जगह सब्स्टिट्यूट करो किसको? आई आर को। तो P कितना हो जाएगा बच्चे? आई आर इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर्ड आर। तो P बराबर I स्क्वायर R, दूसरा फॉर्म ये हो गया, राइट? तीसरा फॉर्म देखो, अगेन आप ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। पिछली बार V को बदला था, इस बार I को बदलो। I क्या हो जाएगा? V बाय R। सब्स्टिट्यूट कर दो किसके लिए? I के लिए। किसमें? पावर की इक्वेशन में। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आ जाएगा? P बराबर V इंटू V बाय R। तो P कितना आ गया? V स्क्वायर बटे R। क्लियर है बच्चों? तो पावर के तीन फॉर्मूले आ गए, पहला V I, दूसरा I स्क्वायर R, तीसरा V स्क्वायर अपॉन R। यस और नो? क्लियर है? अब ये जो पावर है इनको अलग अलग फॉर्म में आपने देखा, अलग अलग जगह पे ये यूज में भी आएंगे। अगर मान लो पोटेंशियल करंट दिया है इससे निकालो, अगर करंट रेजिस्टेंस दिया है इससे निकालो, अगर आपको पोटेंशियल रेजिस्टेंस दिया है तो इससे कैलकुलेट करो। तो तीन अलग अलग फॉर्मूले, तीन अलग अलग इनके एप्लीकेशन। क्लियर है? कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। कॉपी डाउन।
चले आगे, देखो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दे। प्रॉब्लम से पहले एक नोट पॉइंट देख लो। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रिक पावर। किसके लिए बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? आई इंटू वी या वी इंटू आई। दूसरा क्या है? आई स्क्वायर्ड आर। तीसरा क्या है? वी स्क्वायर्ड अपॉन आर। क्लियर है? अब देखो, फॉर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस पैरेलल में जुड़े होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज फिक्स्ड, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, राइट? करंट थोड़ी फिक्स है, मतलब करंट इन जनरल हम लोग करंट को मानक रख के थोड़ी बोलेंगे, हम लोग इस पे बात करेंगे ना, क्योंकि ये फिक्स है। करंट तो अलग अलग अप्लायंस में अलग अलग होगा। मैं सोर्स की बात कर रहा हूं, सोर्स कितने पे है? 220 पे सप्लाई होता है, दैट इज 220 वोल्ट, तो ये फिक्स है। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लॉजिक क्लियर है? पावर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर के ये आर यानी रेजिस्टेंस है, आर यानी कि रेजिस्टेंस है। क्लियर? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये ध्यान रखना, एक प्रॉब्लम देखो। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय ए 100 वॉट बल्ब सप्लाइड विद 110, कर दो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, सप्लाइड करंट एट 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। सही है? ट्राई करें इसे, ट्राई इट आउट, फिर आगे चलते हैं। ट्राई करें साहब, फिर आगे चल रहे हैं, ट्राई कीजिए इसे, ट्राई करें। चले आगे, कराऊं देख। पावर का फॉर्मूला क्या है? वी आई। पावर कितना दिया है? 110 वॉट। वोल्टेज कितना है? 220 पे सप्लाई है। आई की वैल्यू क्या आ गई? 110 बटे 220, यानी कि आधा एम्पियर। कितना? आधा एम्पियर। लॉजिक क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? करो, फिर आगे चलते हैं। काइंडली कॉपी डाउन, देन वी शैल मूव फॉरवर्ड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देंगे, कीजिए इसे।
चले आगे, देखो प्रॉब्लम, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड हंड्रेड वॉट एंड 220 वोल्ट्स व्हेन इट इज ऑपरेटेड when it is operated at 110 volt it will consume a power of कितना power consume करेगा ये bulb, ये हमें जानना है, ठीक है, कि ये bulb कितना power consume कर रहा है ये हमने जानना है। ट्राई करो, मैं तो कराऊंगा ये अभी से, ट्राई करो, ट्राई इट आउट। आओ देखो इसमें, लेट अस सी। तो यहां पे सबसे पहले दो कॉलम में बना देता हूं, इजी रहेगा। 220 वोल्ट 100 वॉट रेटिंग और 110 वोल्ट और पी रेटिंग है, सही है, पी वॉट्स। अब कैसे करें इसे, करने का तरीका क्या होगा, देखते जाओ। सबसे पहली बात, एक आप यहां पे नोट पॉइंट ध्यान रख लो कि ये जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस, करंट तो फिर भी बदल जाएगा, अरे V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज बदल गया करंट बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, मटेरियल सेम है ना, राइट। हाँ, ये फील आ गया यार, अगर ऐसी बात है तो हम लोग पढ़ते हैं P बराबर V स्क्वायर बाय R, R हो गया V स्क्वायर बाय P, यानी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और ये R हो जाएगा 22 का होता है 484 स्क्वायर 484 अपॉन में 100, तो 484 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना है, 484 ओम का रेजिस्टेंस चल रहा है, हा या ना, बढ़िया। अब P बराबर V स्क्वायर बाय R, यही फॉर्मूला है। तो देखो ना, इस बार वोल्टेज बदल गया ना, 110 का स्क्वायर अपॉन ये 484, ये उतना ही है, 110 इंटू 110 22 इंटू 22, बोल सकता हूं, हाँ यार क्यों नहीं बोल सकता, नहीं, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, यानी पावर कितना आ गया, 25 वॉट, कितना आ गया, 25 वॉट, सिंपल एज दैट। लॉजिक क्लियर है, हा या ना, 25 वॉट इसका आंसर आ रहा है। अंडरस्टूड यार, कैसे क्वेश्चंस करने, कैसे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक होमवर्क देता हूं, इसे कॉपी कर लो प्लीज, प्लीज कॉपी डाउन, आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट, कॉपी डाउन।
चलें, आओ एक होमवर्क दे देता हूं, देखिए होमवर्क प्रॉब्लम। विच इलेक्ट्रिक बल्ब शैल हैव मोर रेजिस्टेंस, कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? नंबर वन, रेटिंग दी हुई है, रेटिंग दी हुई है 60 वॉट 220 वोल्ट या फिर 100 वॉट 220 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपने करके लाना है, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आई वांट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, अब बस हीटिंग इफेक्ट और कमर्शियल यूनिट एनर्जी की वो रह रहा है, तो उसको मैं करा दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है? कल कल में ये फिनिश हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी भी, बहुत डिटेल में हमने बहुत अच्छे से इस चीजों को पढ़ा है, तो चिंता मत करो। एक बार जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से रिविजन कराओ, ये पूरा प्लैंड आउट है ना, तो डोंट वरी अबाउट थिंग्स, कॉपी करने बस इस क्वेश्चन को, कॉपी डाउन। ठीक है भाई, दिस इज प्रीटी मच इट, सी यू गाइस टुमारो। आप सभी को, आप सभी की फैमिलीज को दिवाली की हार्दिक और ढेरों बहुत सारी शुभकामनाएं। मे दिस दिवाली, दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट ब्रिंग ऑल द जॉय एंड प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ्स। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।